13 अप्रैल 2024 का वो दिन था जिस दिन आधी रात को ईरान ने इसराइल पर एक साथ 300 से ज्यादा ड्रोन्स और मिसाइलें दाग दी थी और इस हमले के दौरान वो नजारा पूरी दुनिया ने देखा था। ईरान के इस हमले से एक बात तो साफ हो गई थी कि मिडिल ईस्ट में ईरान इसराइल के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर खड़ा हो गया है और इसमें कोई दो राय नहीं है। और ईरान ने इस हमले के बाद ऐलान कर दिया था कि अगर इसराइल ने दोबारा उसके ऊपर हमला किया तो उसका अंजाम इससे भी बुरा होगा। लेकिन ईरान के हमले के बाद इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी वॉर कैबिनेट ने एक सीक्रेट मीटिंग की है जिसमें ईरान पर जवाबी हमले को लेकर काफी लंबी माथापच्ची हुई है। और अब ईरान पर जवाबी हमले को लेकर इजरायली सेना के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल हेर्जी हलेवी का आधिकारिक बयान भी आ गया है। हलेवी ने ईरान को लेकर एक बात तो स्पष्ट कर दी है कि ईरान का इसराइल पर ड्रोन और मिसाइल हमले का जवाब जरूर दिया जाएगा। दरअसल आईडीएफ प्रमुख ने नेवातिम एयरबेस से एक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा कि इसराइल को अपने कृत्य का अंजाम भुगतना ही होगा। ईरान रस्ता लिफ्गुआ बेखोलोत स्ट्रेटेजियोत शिल मदीनात इसराइल ज़े दवार शलो हया बावर अनहनु शुकलिम एट सरदेनु והשיגור הזה של כל כך הרבה טילים, טילי שיוט, כטב"מים לשטח מדינת ישראל יענה בתגובה. נסכם את הביקור הזה, אנשים מצוינים, עושים תהליכים מצוינים. אנחנו במלחמה במספר זירות, האיומים משתנים בעוצמתם ובתדירותם ובהתאם לכך גם ההנחיות. ושיתוף פעולה חסר תקדים בקואליציה בהובלת ארצות הברית, בריטניה, צרפת ומדינות נוספות שהיא בפני עצמו הישג אסטרטגי גדול במזרח התיכון, נמנעה התקיפה האיראנית וסוכלה למעט החדירה פה שהייתה בבסיס נבטים. אני חושב שלאור הדבר הזה מרחב האפשרויות העומדות בפני מדינת ישראל רחב יותר וגדול יותר ועדיין אנחנו צריכים לעשות כפי שאמר המטכ"ל ונעשה כל מה שנחוץ על מנת להגן על מדינת ישראל ואנחנו נעשה את זה בעיתוי ובזמן שאנחנו נבחר. आपको बता दें कि जिस एयरबेस से इजरायली सेना के प्रमुख ने ये बयान जारी किया है इसराइल के अनुसार उसी एयरबेस पर 13 अप्रैल 2024 को ईरान की एक मिसाइल आकर गिरी थी जिसमें एयरबेस को मामूली नुकसान हुआ है। वहीं दूसरी तरफ इसराइल के इस ऐलान पर ईरान ने फिर से दहाड़ लगाई है। ईरान के डिप्टी विदेश मंत्री अली बागेरी कानी ने इसराइल के इस बयान पर कहा कि इसराइल के किसी भी ताज़ा हमले का जवाब सेकंड्स के भीतर ही दे दिया जाएगा। एक टीवी इंटरव्यू के दौरान कानी ने कहा कि दूसरी गलती दोहराने के मामले में उन्हें और ज्यादा कड़े, तेज और तत्काल हमले की उम्मीद करनी चाहिए। इस बार इसराइल जानता है कि उसके पास 12 दिनों का लंबा समय नहीं होगा। इस बार जो जवाबी हमला होगा वो दिनों या घंटों में नहीं बल्कि वो सेकंडों में होगा। ईरान के मंत्री ने आगे कहा कि अगर इजरायली सरकार के भीतर कोई तर्क संगतता है तो उन्हें ये पता होगा कि उन्हें अपनी रणनीतिक गलती को एक और गलती के साथ नहीं दोहराना चाहिए। आपको बता दें कि 1 अप्रैल 2024 को सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरानी दूतावास पर एक हवाई हमला हुआ था जिसमें ईरानी ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रेजा जाहेदी जो कुछ फोर्स के हेड थे और उनके डिप्टी जनरल मोहम्मद हादी हाजी रहीमी की मौत हो गई थी। इस हमले में इसराइल के कुल 7 बड़े सैन्य अधिकारी मारे गए थे। ईरान ने इस हमले का आरोप इसराइल पर लगाया था और बदला लेने की बात कही थी।